दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने जिस खतरे से देश को आगाह किया वो आशंका सच साबित हो चुकी है। भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, जिसे रोकने के लिए सरकार आम लोगों को जेल तक भेज रही है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर है जो एमपी की कोरोना कैपिटल बन गया है। जब लोगों पर जुर्माने का भी असर नहीं हुआ तो प्रशासन ने मास्क की इज्जत न करने वालों को जेल भेजना शुरू कर दिया। इंदौर में पिछले दो दिन 500 लोग मास्क न पहनने की सजा जेल जाकर भुगत चुके हैं। तो क्या भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए चीन जैसी जबरदस्ती की जाने वाली है? क्या भारत में मास्क से तौबा करने वालों के साथ ऐसा सलूक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना से बचने के लिए जरूरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसने कोरोना को खतरनाक वापसी करने का मौका दे दिया है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि भारत में कोरोना 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसने भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को बेमौत मार दिया था। तो क्या स्पेनिश फ्लू की तरह भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर भर पाएगी? कोरोना को लेकर चौतरफा लापरवाही और इस महामारी के नए मामले में अचानक आई तेजी बताती है कि आने वाले दिनों में भारत की अग्नि परीक्षा होने वाली है। पिछले 24 घंटे में देश भर कोरोना के 81,456 नए केस मिले। इससे पहले इतना बड़ा आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर में आया था, जब 84,176 कोरोना संक्रमित मिले थे। 16 सितंबर 2020 को भारत सबसे ज्यादा 97,894 कोरोना मरीज मिले, जो एक रिकॉर्ड। लेकिन देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है उससे सवाल उठता है कि ये रिकॉर्ड कितने दिन तक टिका रहेगा। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। 1 फरवरी को देश भर में कोरोना के सिर्फ 8,635 नए मामले दर्ज किए गए। साल 2021 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामले की सबसे कम संख्या थी, लेकिन 1 अप्रैल को कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 81,456 तक जा पहुंचा। टुडे क्लोज टू 81,000 केसेस आर देयर फॉर द लास्ट 24 आवर्स। आई फील दैट दिस इज इवन मच मोर नंबर देन द लास्ट, बिकॉज इन व्हेन देयर वाज अ फर्स्ट वेव इट वाज क्लोज टू 1 lakh पेशेंट्स। So this may cross even this 1 lakh within few days. पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते रहे। सितंबर के महीने में फिर से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया, लेकिन इस साल मार्च में 2020 के मुकाबले कोरोना वायरस के मामले अभी तेजी से बढ़ने लग गए हैं और एक्सपर्ट्स को ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की याद दिला रहे हैं। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। माना जाता है कि मरने वालों का आंकड़ा 2 से 10 करोड़ के बीच था। भारत में भी इससे बड़े पैमाने पर मौत और करीब 2 करोड़ लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए, जो उस समय भारत की आबादी का 6% था। कहा जाता है कि सबसे पहला स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का केस एक अमरीकी सैनिक में पाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमरीका से ये सैनिक यूरोप आए और वहां से स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में फैल गया था। 10 जून 1918 को मुंबई बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिस वाले भारत में इसका पहला शिकार बने। पहली लहर बंबई तक सीमित रही, जहां इससे 16 लोगों की मौत हुई।
लेकिन सितंबर आते आते ये पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत तक फैल गया और इसने भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोग मार दिए। मतलब सिर्फ चंद महीनों में मौत की संख्या 1600 से बढ़कर सीधे 1.5 से 2 करोड़ पहुंच गई। तो आपने देखा कि स्पेनिश फ्लू महामारी अपनी दूसरी लहर में ज्यादा खतरनाक साबित हुई। तो क्या कोरोना भी स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है? और कोरोना हो या फिर स्पेनिश फ्लू, दूसरी लहर ज्यादा घातक क्यों होती है? ये सवाल हमने राजीव दास गुप्ता से पूछे, जो JNU कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर है। देखिए, स्पेनिश फ्लू जो है वो एक माइलस्टोन है पैंडेमिक के इतिहास में। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से ये बीमारी आई थी और मुख्य बात यह है कि इसमें जो पूरे विश्व है उसके करीब 1/3 लोग अफेक्टेड हुए थे। चिंता की बात इसमें ये है इस सेकेंड वेव में कि फर्स्ट वेव ज़्यादातर अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज के अंदर भी जो हाई डेंसिटी एरियाज हैं या स्लम पॉपुलेशन है या शहर के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा उसके प्रकोप थे और वहाँ एक हिसाब से सीमित भी रहे। पर अब देखने को मिल रहा है कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक जो वर्ग है वहाँ काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सबसे चिंताजनक बात लोगों का रवैया। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना से लड़ते लड़ते थक गए। जिस तरह से लोग बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं वो इस महामारी को लेकर जनता की ऊंट को ही दिखाता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहाँ 43,183 नए संक्रमित मिले। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,646 केस मिले। बावजूद इसके जनता पर इसका मानो कोई असर ही नहीं हुआ। ये मुंबई के चैम्बूर के बाजार की तस्वीर है जहां पर कोरोना से जुड़े हर दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई। आखिर लोग क्यों इतने बेपरवाह हैं? ये लापरवाही देश को कितनी भारी पड़ेगी और कैसे भारत कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है? इसका जवाब आपको अगली रिपोर्ट देगी। आज तक ब्यूरो।